यूरोपियन यूनियन के उपाध्यक्ष रिचर्ड जानेकी ने कहा है कि पीओके में आतंकियों के खिलाफ भारत के ऑपरेशन का दुनिया को समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भारत ने साफ संकेत दिया है कि यह हमला पाकिस्तान पर नहीं था बल्कि क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बने आतंकियों पर था। जारनेकी के मुताबिक ईयू को पाकिस्तान पर उसकी सीमा में चल रहे आतंकी नेटवर्क को खत्म करने का दबाव डालना चाहिए। जारनेकी ने कहा कि यूरोपियन यूनियन के लिए ये अहम है कि वो पाकिस्तान पर टेरर नेटवर्क को मिटाने के लिए दबाव बनाए और अब समय आ गया है कि दुनिया आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर एक्शन ले और ये सुनिश्चित करे कि दुनिया में कोई भी जगह आतंकवादियों के लिए पनाह देने वाली ना हो। जारनेकी के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी और अफगान तालिबान के साथ हक्कानी नेटवर्क के बीच रिलेशन को सब जानते हैं। यूरोपियन यूनियन ने भी पाकिस्तान बेस्ड हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों को बैन किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के एक पत्रकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का मुद्दा उठाया, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में रशिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव वाइटलाई चरकिन ने पाकिस्तान के पत्रकार को सवाल पूछने से रोक दिया। प्रेस वार्ता के दौरान एक पत्रकार द्वारा भारत पाक तनाव को लेकर सवाल पूछा गया था, जिस पर वाइटलाई ने यह कहकर उन्हें सवाल पूछने से रोक दिया कि यूएनएससी अभी इसको लेकर किसी भी विषय पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। उनके मुताबिक भारत पाक के तनाव को लेकर यूएनएससी में कोई चर्चा नहीं हुई है और ना ही इस बारे में ऐसा कोई विचार हुआ है। पाकिस्तान एलओसी पर लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। पिछले दो दिनों में कम से कम 9 बार फायरिंग की गई है। जम्मू के पल्लनवाला सेक्टर के प्लाटन गिगदयाल छन्नी दमानू और छिपायल में फायरिंग हुई है। अखनूर सेक्टर और नौशेरा में भी फायरिंग हुई है। भारतीय सेना ने इस गोलीबारी पर जवाबी कार्रवाई की है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से बौखलाया हुआ है। यही वजह है कि उसकी तरफ से सीज फायर उल्लंघन में तेजी आई है। बीते 4 दिनों में पाकिस्तान की तरफ से रुक रुक कर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सेना पाकिस्तान की बौखलाहट का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस ने संजय निरुपम के बयान से किनारा कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय सेना और सरकार की आतंकवाद के खिलाफ हर मुहिम का वो समर्थन करते हैं। कांग्रेस दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान में की गई सेना की सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन करती है और सेना पर पूरा भरोसा जताते हुए कांग्रेस ने कहा कि हाल ही में पीओके में की गई सर्जिकल स्ट्राइक ना तो पहली थी और ना ही ये आखिरी स्ट्राइक थी। कांग्रेस ने कहा है कि हमें इस बात का गर्व है कि इससे पहले भी हमारी सेना ने 1 सितंबर 2011, 28 जुलाई 2013 और 14 जनवरी 2014 को देश के दुश्मनों के खिलाफ सफल सर्जिकल स्ट्राइक की। कांग्रेस का ये भी कहना है कि देश हित में परिपक्वता और बुद्धिमानी दिखाते हुए उस दौरान हमने इसका शोर नहीं मचाया था। कांग्रेस का कहना है कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर डीजीएमओ के बयान पर कभी भी सवाल नहीं उठ सकते। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि पार्टी संजय निरुपम के बयान से सहमत नहीं है और इसे गंभीरता से लेगी। हालांकि इसके साथ साथ सुरजेवाला ने कहा है कि भारत सरकार को पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा का खुलासा करना चाहिए और जो सबूत हैं उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। संजय निरुपम ने पाकिस्तान में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी बताते हुए कहा था कि जब तक सेना और सरकार इस सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं देती तब तक इस सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी ही समझा जाएगा। Congress party does not agree with the statement made by Shri Sanjay Nirupam. We have taken a serious note of the same. समय आ गया है कि भारत सरकार को पाकिस्तान के मिथ्या झूठे और बेबुनियाद प्रोपगेंडा को बेनकाब कर देना चाहिए और जो भी तथ्य और साक्ष्य हमारे पास हो उनको सरकार के अनुमान के अनुरूप और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आकलन करके सार्वजनिक कर देना चाहिए।
सर्जिकल स्ट्राइक पर बीजेपी ने केजरीवाल को करारा जवाब दिया है और कहा है कि केजरीवाल अपने बयान से पाकिस्तान में हेडलाइंस बन गए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने केजरीवाल को जवाब देते हुए कहा कि भारत के एक सीएम ने पाक को सवाल खड़ा करने का मौका दे दिया। अरविंद केजरीवाल ने कल एक वीडियो मैसेज जारी कर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पीएम मोदी को बधाई दी, साथ ही पाकिस्तान के दुष्प्रचार को खत्म करने के लिए सबूत भी मांगे थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम ने इस मुद्दे पर जो इच्छा शक्ति दिखाई उसके लिए मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। उसके बाद केजरीवाल ने कहा कि मेरी पीएम से अपील है कि जैसे जमीन पर पाकिस्तान को जवाब दिया वैसे ही पाक के झूठ को भी बेनकाब करें। पीड़ा की बात, अगर वो मोदी जी को सैल्यूट करते हैं तो हम भी उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उसी समय अगर वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा से प्रभावित होकर उसका जवाब देना चाहिए तो क्या पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा उनके लिए महत्वपूर्ण है या भारत की सेना का त्याग? अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि पाकिस्तान को बेनकाब करने की बात पर बीजेपी तिलमिला क्यों रही है। क्या कहा? मैंने यही तो कहा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुए। हम सब जानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, हम सब मानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, लेकिन पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर जाके ये प्रोपेगेंडा कर रहा है और पूरी दुनिया के अंदर सब अखबारों में, सब टीवी चैनलों में यही चल रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, सीएनएन, सब जगह यही चल रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुए। यही तो था प्रधानमंत्री जी से अपील की थी कि पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा का मुंहतोड़ जवाब देना हम सब लोगों को, और इस कोशिश में भी हम सब लोग प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। जो कदम वो उठाएंगे हम उस कदम का पूरा समर्थन करेंगे, मैंने यही कहा है। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि रविशंकर जी कह रहे हैं राजनीति मैं कर रहा हूँ कि राजनीति वो कर रहे हैं। अगर मैंने ऐसा कहा कि पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा का हम लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना है तो इसमें बीजेपी इतना बौखलाई हुई क्यों है? बीजेपी इतना डरी हुई क्यों है? हम सब लोगों को मिलके पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का जवाब देना है और हम सब लोगों को मिलके इस टाइम, चाहे कोई किसी भी पार्टी से हो, हम सब लोगों को प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करना है। केजरीवाल और संजय निरुपम के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करने के बाद अब देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता संजय निरुपम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही केजरीवाल और निरुपम का पुतला भी फूंका। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग है कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले लोगों को देश में रहने का कोई हक नहीं है। संजय निरुपम पूर्व सांसद कांग्रेस के हैं और उन्होंने जो एक हमारे अधिकारी हैं सेना के वरिष्ठ अधिकारी उनको फर्जी बताया है और इस प्रकार से कहीं ना कहीं आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, आतंकवाद की तरफ बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ बात कर रहे हैं और इसके विरोध स्वरूप भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी है। पीओके में भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तानी हैकर्स ने भारत पर साइबर हमले शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तानी हैकर्स ने कई भारतीय वेबसाइट हैक की हैं। पाकिस्तानी हैकर्स ने अब तक भारत के बिजनेस सेक्टर और सरकारी वेबसाइट समेत करीब 7,000 से ज्यादा वेबसाइट्स को हैक करने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी हैकर्स ने हैकिंग के बाद एक वेबसाइट पर अपलोड की गई तस्वीरों में इसे सर्जिकल स्ट्राइक का बदला बताया। जानकारी के मुताबिक हैकर्स ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और इसके साथ ही एक वेबसाइट जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसे भी हैक कर लिया है। बिहार गवर्नमेंट की वेबसाइट हैक हुई, उसके पहले ग्रीन टर्मिनल की वेबसाइट हैक हुई। ये वो वेबसाइट है जो ऑफिशियली गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिससे गवर्नमेंट की सर्विसेज बाध्य होती है और इससे काफ़ी ज़्यादा असर गवर्नमेंट के ऑनलाइन सर्विसेज पर पड़ता है। तो इनके हैक होने के बाद इसमें इन जनरल हैकर्स वायरस डाल देते हैं, जो वायरस जब भी आप इन्हें विजिट करते हैं ये वायरस आपके कंप्यूटर में आते हैं और उनके थ्रू जो है हैकर वायरस इसमें डाल देते हैं हैक करके, जिसके बाद आपके कंप्यूटर के हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सुरक्षा हालात का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। मंगलवार को राजनाथ सिंह यहां पहुंचे थे और यहां उन्होंने वॉर मेमोरियल पर जाकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार देश का मस्तक नहीं झुकने देगी और इसके साथ ही कहा कि देश का बच्चा बच्चा सेना पर भरोसा करता है। बस इतना ही मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ देशवासियों को कि इस देश के
मान सम्मान पर आंच नहीं आने देंगे और देश का मस्तक किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे। पढ़ा नहीं। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अपने सेना के जवानों पर पूरा यकीन रखता है। और जो कुछ भी अब तक हमारे सेना के जवानों ने किया है उसके प्रति देश की जनता का आदर है और भविष्य में भी हम सेना के जवानों और सुरक्षा के जवानों के प्रति इस देश का सम्मान रहेगा और उनके प्रति आदर का भाव बना रहेगा। दिल्ली में मंगलवार को हुए कार्यक्रम में केजरीवाल सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती को घेरने की कोशिश की। कपिल मिश्रा ने महबूबा मुफ्ती से सवाल पूछा कि वो बुरहान वानी को आतंकी मानती हैं या नहीं। कपिल मिश्रा के सवाल के बाद कार्यक्रम में हंगामा हुआ। कपिल मिश्रा को जवाब देते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमें आपकी जरूरत है, मुझे नहीं पता आपको कश्मीर की जरूरत है या नहीं। इस दौरान महबूबा मुफ्ती भावुक भी हो गई। महबूबा मुफ्ती दिल्ली के भारत इंटरनेशनल टूरिज्म बाजार कार्यक्रम में शामिल होने आई थी जिसमें दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा भी आए थे। उन्हें बताना पड़ेगा बुरहानवादी को आतंकवादी मानती है कि नहीं मानती, अफजल गुरु को आतंकवादी मानती है कि नहीं मानती, ये तो बताना पड़ेगा ना। ऐसा कैसे चलेगा, ये तो बताना पड़ेगा। आप बुरहानवादी को आतंकवादी मानते हो या नहीं मानते, ये बताना पड़ेगा यहाँ पर। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा को जवाब देते हुए कश्मीर को सबसे सुरक्षित बताया। देखिए जम्मू कश्मीर न सिर्फ खुद खूबसूरत सबसे खूबसूरत जगह है, वहाँ के लोग भी सबसे अच्छे हैं और यही वजह है कि पूरे दुनिया में पूरे मुल्क में जबकि बदकिस्मती से जो दिल्ली हमारा माना जाता है अनफॉर्चुनेटली यहाँ लड़कियाँ औरतों के साथ जो हो रहा है वो सबको मालूम है, तो उसके कंपैरिजन में जब आप कश्मीर की बात करते हो जम्मू कश्मीर की बात करते हो तो सबसे ज्यादा सेफ अगर कहीं कोई टूरिस्ट है खासकर कोई लेडी है तो वो कश्मीर में है। सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पाकिस्तानी मीडिया में भले ही हीरो बन गए हों लेकिन देश में निशाने पर आ गए हैं। केजरीवाल पर बीकानेर में कुछ लोगों ने स्याही फेंकी। शुरुआती तफ्तीश में इंक फेंकने वाले एबीवीपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। स्याही फेंके जाने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर बितर कर दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मिशन यूपी पर हैं और आज राहुल गांधी की किसान यात्रा का 25वां दिन है। राहुल गांधी आज यूपी के सहारनपुर में सुबह 10 बजे रोड शो करेंगे। रोड शो से पहले राहुल गांधी शाकंभरी देवी मंदिर में मत्था टेकने जाएंगे और मंदिर के बाद राहुल गांधी दरगाह पर चादर चढ़ाने जाएंगे। वहीं रोड शो के बाद राहुल गांधी किसानों के साथ खाट सभा करेंगे। किसानों के साथ खाट सभा करने के बाद राहुल गांधी मुजफ्फरनगर के लिए रवाना होंगे। यूपी की अखिलेश सरकार ने यूपी की चीनी मिलों का 700 करोड़ रुपए का ब्याज माफ कर दिया है। ये ब्याज पेराई सत्र 2014-15 में किसानों को देरी से भुगतान के कारण लगाया गया था। यूपी सरकार के फैसले से चीनी मिलों को तो फायदा पहुंचा है लेकिन सवाल गन्ना किसानों को लेकर उठ रहे हैं। सवाल ये कि यूपी सरकार ने चीनी मिलों को तो राहत दे दी लेकिन गन्ना किसानों को कब उनका बकाया मिलेगा। यूपी सरकार गन्ना किसानों को चीनी मिलों से उनका बकाया कब दिलवाएगी। ग्रेटर नोएडा के दादरी में कल देर रात ट्रक में भीषण आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि पास में खड़ी दो कारें भी इसकी चपेट में आ गईं। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई और कई घंटों तक NH-91 पर जाम लगा रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बावजूद भी कई घंटों बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड जिससे ट्रक जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। हालांकि ट्रक में आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल सका है। यूपी में दादरी के अखलाक हत्याकांड के आरोपी रवि की मौत के बाद एक बार फिर वहां तनाव पैदा हो गया है। 22 साल के रवि की मौत डेंगू से दिल्ली के LNJP अस्पताल में हुई है। गांव वालों का आरोप है कि इसकी तबीयत कई दिनों से खराब थी लेकिन प्रशासन ने लापरवाही बरती। वहीं रवि ने अपनी तबीयत को लेकर घर वालों को एक चिट्ठी भी लिखी थी और रवि यूपी के गौतम बुद्ध नगर की एक जेल में बंद था। तो वहीं दूसरी तरफ अखलाक की हत्या के मामले में जेल से जमानत पर छूटे एक युवक ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और कहा है कि जेल में यातनाएं दी जाती हैं। जेलर है अरे डिप्टी जेलर जो है पांडे है। पीट था कौन कौन था पांडे है? एस के पांडे ये लंबड़दारों से पिटवाता था और क्या नाम है ऊपर से ये खुद भी मारता था। वहीं पे कंट्रोल रूम है उसमें ही लाठियों से लाठियां रखी हुई है वहाँ पे मारता क्यों तो हो जाए क्या है कुछ भी गलती हो अगर किसी चीज के लिए पेश हो जाओ बस
पीटना शिकायत करने से। और यदि बचना है तो पैसे दे तो बच जाओगे। कितना पैसा मांगते थे लोग? यह हमारे हमारे केस में रूपंदर का, रबीन का, भीम का, विनय का 12,000 रुपए एक जगह करने के लिए थे। पहले एक जगह रहते थे ना तो सबके अलग अलग कर दिए उसमें, तो उसके बाद 12,000 रुपए लिए थे जब एक जगह करे थे सबने। अच्छा, जेल में रवि को भी मारा गया था? हाँ, रवि की पिटाई हुई थी एक बार, इसके हरिओम की हुई थी हमारे केस में। और इसकी पिटाई हुई थी? इसकी हुई थी, भीम की हुई थी। भीम की हुई थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बार फिर ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा की पोल खुली है। कानपुर लखनऊ रूट पर आधे घंटे के अंदर 3 ट्रेनों में हथियारबंद बदमाशों ने लूटपाट की, जिसमें कई यात्री जख्मी हुए हैं। घायलों को कानपुर की जीआरपी ने अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बदमाशों ने सबसे पहले लखनऊ से मुंबई जाने वाली लोकमान्य तिलक को अपना निशाना बनाया। बदमाशों ने 16 यात्रियों के साथ लूटपाट की और जिसमें एक यात्री जख्मी हो गया। इसके बाद बदमाशों ने वहां से गुजर रही वैशाली एक्सप्रेस को भी अपना निशाना बनाया। इसके बाद बदमाशों ने लखनऊ कानपुर पैसेंजर में भी कई यात्रियों के साथ लूटपाट की, जिसमें कई यात्री जख्मी हुए हैं। यहाँ पर यहाँ हमारी कंपनी पुल है आपका, वहीं पर यहाँ ट्रेन रुकी, जैसे उसने हमला बोल दिया, जैसे लेडीज का पर्स छीना तो उसका बच्चा छिछाना तो हमको कौन है, जैसे हम लम रहे तो इसे कट्टा की बेटी मारी और एक आगे अस्तुरा लगा दिया, पर्स छीन लिया, मोबाइल निकाल लिया। तो उसमें 4 लोग थे, उसके पीछे भी आदमी कुछ थे, वो हमें नहीं मालूम है। जो हमारी बोगी में थे 4 लोग थे, 2 छुरे लिए थे, 2 पिस्तौल लिए थे। यूपी में किसानों की बदहाली की तस्वीर एक बार फिर सामने आई है। बांदा में बैंक के कर्ज और साहूकारों की प्रताड़ना से तंग आकर किसान ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि किसान रामकरण ने लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी और उस पर बैंक के किसान क्रेडिट कार्ड का 1,00,000 रुपए का कर्ज था और इसके साथ ही उसने साहूकारों से भी खेती के लिए कर्ज लिया था, लेकिन फसल बर्बाद होने के चलते काफी नुकसान हो गया था और आए दिन साहूकारों और बैंक के नोटिस से तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली। यूपी के झांसी में मरीज के पास इलाज के पैसे न होने की वजह से उसे अस्पताल के बाहर निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, मरीज को धक्का देकर अस्पताल से बाहर कर दिया गया। श्रीनगर गांव के रहने वाले रामबाबू का सड़क हादसे में पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद उनका इलाज झांसी के मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। रामबाबू ने शुरुआत में किसी तरह घर बेचकर इलाज कराया, लेकिन जब रामबाबू के पास पैसे खत्म हो गए तो डॉक्टरों ने उनका इलाज करने से ही मना कर दिया। प्रदेश सरकार आम लोगों को बेहतर इलाज कराने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन झांसी मेडिकल कॉलेज में तैनात डॉक्टर्स सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 5 के पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाते वक्त 2 पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। एक गुट के लोग पेट्रोल पंप मैनेजर के कमरे में घुसकर मारपीट करने लगे। मैनेजर के मुताबिक सीएनजी भरवाने आए कुछ लोगों से कहासुनी हुई, जिसके बाद उन्होंने ऑफिस में घुसकर मारपीट की। छत्तीसगढ़ के कोरिया में इलाज के अभाव में 4 नवजात की मौत हो गई। 30 सितंबर को एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया था। प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी हुई थी और 4 बच्चों का वजन काफी कम था। बताया जा रहा है कि पैसे नहीं होने की वजह से परिवार वालों ने अस्पताल से छुट्टी करा ली। बताया जा रहा है कि इस दौरान अस्पताल के डॉक्टर्स ने रिस्क न लेने की सलाह दी थी, लेकिन सवाल ये है कि प्राइवेट अस्पताल ने बच्ची की जान बचाने की पहल क्यों नहीं की? मानवता के नाते ही सही, बच्चों को सही इलाज देने की कोशिश क्यों नहीं हुई? खबर ये भी है कि सरकारी अमले ने बच्चों की खोज खबर तक नहीं दी और पैसों के अभाव में 4 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों में पौष्टिक आहार के नाम पर महिलाओं और बच्चों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। जांच पड़ताल में इस बात का खुलासा हुआ है कि यहां पर चलाए जा रहे ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्र गलत तरीके से चलाए जा रहे हैं। रायगढ़ में कुल 104 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और जिनमें से सिर्फ 9 तय मानक पर खरे उतरे, बाकी के सभी आंगनबाड़ी केंद्र में गड़बड़ी मिली है, जिसको लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी को नोटिस जारी किया है। कुपोषण दूर करने के लिए सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट जैसी पौष्टिक आहार देने की व्यवस्था की है, लेकिन हकीकत में इस योजना को पलीता लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पत्रकार उमेश राजपूत की हत्या के आरोपी शिव कुमार वैष्णव की सीबीआई कस्टडी में हुई संदिग्ध मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। शिव कुमार वैष्णव के घर वालों ने प्रदर्शन किया। हालांकि इस विरोध के बीच भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आरोपी का पोस्टमार्टम कराया गया। परिवार वालों का आरोप है कि शिव कुमार ने खुदकुशी नहीं की है, उसे खुदकुशी के लिए मजबूर किया गया। सीबीआई ने शिव कुमार को रायपुर के ट्रांसिट हॉस्टल में रखा था, जहां उसने बाथरूम के अंदर फांसी लगा ली थी। परिवार वालों का ये भी कहना है कि उसे बहुत परेशान किया गया। We'll be right back.
मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्याज के बाद अब गेंदे के फूल फेंकने की नौबत आ गई है, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल इन दिनों मंडी में फूलों की आवक बढ़ी है, जिसकी वजह से कीमत में गिरावट आई है। साथ ही बारिश होने से बड़ी मात्रा में फूल बर्बाद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 से 200 क्विंटल तक गेंदा रोजाना फेंका जा रहा है। आपको बता दें कि उज्जैन समेत आसपास के इलाकों में गेंदे के फूल की काफी मात्रा में खेती होती है, लेकिन इस बार बड़ी मात्रा में फूल बाजार में आने पर अब किसानों और व्यापारियों को खराब हो जाने के कारण फेंकना पड़ रहा है। ने फिर शासन के साथ प्रशासन के साथ मिलके एक मध्य प्रदेश के इंदौर के विक्रम अग्निहोत्री नाम के एक शख्स ने दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद भी परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया है। 45 साल के विक्रम के हाथ नहीं होने के बावजूद वो अच्छी तरह से कार चला लेते हैं। उन्होंने पहले भी लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन तब उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया था। मोटिवेशनल स्पीकर विक्रम ने लाइसेंस के लिए ग्वालियर में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर्स ट्रिब्यूनल से लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तक का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद अब उन्हें लाइसेंस मिला है। विक्रम का दायां पैर स्टीयरिंग पर तो बायां पैर एक्सीलेटर पर होता है। फिलहाल विक्रम वकालत की पढ़ाई भी कर रहे हैं। सात समंदर पार से भारत आया एक इतालवी जोड़ा भारत की सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों से इस कदर प्रभावित हुआ कि अपनी शादी हिंदू रीति रिवाज से कराने की ठान ली। इटली से हिंदुस्तान घूमने आए इस जोड़े ने खजुराहो के मतंगेश्वर मंदिर में अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे और सात वचन लिए। इटली के रहने वाले मोसिमो और एलियोनोरा के बीच कुछ साल पहले दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में तब्दील हुई और भारत घूमने आए तो शादी कर ली। यहाँ भारतीय रिवाज से शादी के बाद ये जोड़ा बेहद खुश है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूनिटेक ने कोर्ट के पास 15 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं, लेकिन यूनिटेक के ग्राहकों को ये रकम कब और किस तरह मिलेगी इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट 7 अक्टूबर को करेगा। ग्राहकों की तरफ से प्रिंसिपल रकम पर ब्याज दर तय करने की मांग की जा रही थी, जिसे कोर्ट अगली सुनवाई के दौरान तय करेगा। और इस मामले में कुछ नए ग्राहकों ने भी कोर्ट से पैसे वापसी की गुहार लगाई है। दिवाली से पहले आरबीआई ने सस्ते होम और कार लोन का तोहफा दिया है। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी पहली क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा में ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया। आरबीआई ने रेपो रेट में 4.5% की कटौती की है, यानी अब रेपो रेट 6.5% से घटकर 6.25% हो गया है। बीसीसीआई और आरएम लोढ़ा कमेटी के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई के वित्तीय निर्णयों को अवैध ठहराते हुए बैंकों को बोर्ड को भुगतान नहीं करने का निर्देश दिया था। और इसी बीच बीसीसीआई चीफ अनुराग ठाकुर ने न्यूजीलैंड सीरीज रद्द होने का इशारा किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि लोढ़ा कमेटी के अकाउंट फ्रीज करने के बाद बोर्ड आगे का भुगतान नहीं कर पाएगा। जवाब में जस्टिस आरएम लोढ़ा ने कहा है कि कमेटी ने सिर्फ चुनिंदा भुगतानों पर रोक लगाने को कहा है।